बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े के क्विक रेडी होने वाली मसालेदार बिरयानी ढाबा स्टाइल में बनाने की रेसिपी लेके आई हूं। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपसे ढाबा स्टाइल बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए इन्ग्रीडियंट्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। चलिए एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के जो अनियन है उनको स्लाइसिस में काट लिया हुआ है। भिंडियाँ मैंने ली हैं 1/2 kg। यहाँ पे 3 से 4 मैंने ग्रीन चिली जो चॉप कर ली हुई हैं, 2 टमाटर चॉप किए हैं, और जो इसमें स्पाइसेस यूज़ होने हैं नमक, रेड चिली का पाउडर और हल्दी का पाउडर है और अनारदाना। इससे बहुत ही मज़े की करारी भिंडियाँ रेडी होती हैं। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऑयल डालेंगे और इसमें भिंडियाँ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल। मैं वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करना है। तो इसके गर्म होने पे मैं इस भिंडियाँ फ्राई कर लेती हूँ। ये ऑलरेडी गर्म हो चुका हुआ, तो इसमें मैं भिंडियाँ कर लेती हूँ फ्राई। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें यहाँ पे हमारी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। कभी हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनकी लेस जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर ऑफ हो जाए। अभी 2 से 3 मिनट तक हम इनको और फ्राई करते हैं, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये हमारी भिंडियाँ अच्छी फ्राई हो चुकी हैं, तो अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ। ऑयल में हम जो अनियन है वो डाल देते हैं और इनको फ्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे अनियन गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तब भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ चॉप किए हुए टमाटर, जो कि मैं 2 यूज़ कर रही हूँ। और इसको हम 3 से 4 मिनट तक स्टर फ्राई करेंगे, जहाँ तक कि हमारे जो टमाटर हैं वो भी गल जाएंगे और जो अनियन है वो भी थोड़े से और गल जाएंगे। देखें 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, तो टमाटर हमारे थोड़े अच्छे टेंडर हो चुके हैं। तभी हम इसमें डाल देते हैं स्पाइसेस। मैं इसको बेसिक स्पाइसेस ही यूज़ कर रही हूँ, नमक, मिर्च और हल्दी, ये सारे इसमें चले जाएंगे। इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च जो कि चॉप की हुई, और इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून अनारदाना जो मैंने लिया। बहुत मज़े की चटकारेदार इससे धनिया बनती है और बहुत करारी होती है। तभी हम इसको 3 से 4 मिनट तक मिर्च के साथ स्पाइसेस के साथ भूनते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से प्याज़ों में चली जाए और अच्छी तरह से इनका टेस्ट जो है इसमें आ जाए। अब ये देखें 3 से 4 मिनट को मैंने इसको स्पाइसेस के साथ भूनना है। तो प्याज हमारे बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं, इसमें मैं डाल देती हूँ भिंडियाँ जो ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं। तो इसको हम 5 से 10 मिनट तक बिल्कुल दम पर रखेंगे और सारे स्पाइसेस भी इसमें चले जाएंगे और भिंडियाँ भी हमारे बल्कि थोड़ी सी कसर है वो भी नाइसली पक जाएंगी। तभी हम इनको लो फ्लेम पर दम पर रख देते हैं। यहाँ पे हमारी भिंडी मसाला फ्राई ढाबा स्टाइल में रेडी है। तो अभी मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ढाबा स्टाइल मसालादार भिंडी को सर्व कर लिया हुआ है। इसको मैंने हरे धनिए के साथ गार्निश किया है, बहुत ही चटकारेदार बनी है। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। कि यहाँ पे मैंने ढाबा स्टाइल मसालादार भिंडी को सर्व कर लिया, बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही चटकारेदार है। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्लेन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।